14 न्यूज। एक ही पेड़ पर आम की 300 तरह की किस्में लगाने का फॉर्मूला पीएम मोदी को बताकर जाऊंगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मलिहाबाद नामक गांव में अब्दुल्ला नाम की एक नर्सरी है। यहां कलीमुल्लाह ने एक ऐसे आम के पेड़ का शोध किया है जिसमें एक ही साथ लगभग 300 तरह के आम लगते हैं। इन आमों की सुगंध और स्वाद एक दूसरे से अलग होते हैं। इस आम के पेड़ को कलीमुल्लाह ने बनाया है और इससे पहले भी उन्होंने केले के एक ऐसे पेड़ का शोध किया था जो कि सामान्य केले के पेड़ से काफी बड़ा और इसमें जो फल लगता था वो साइज में काफी बड़ा था, लेकिन गांव में आई बाढ़ के चलते वो पेड़ खराब हो गया। कलीमुल्लाह ने कई कोशिशें की लेकिन इसके बाद भी वो पेड़ को बचा नहीं पाए। सातवीं कक्षा में फेल होने के बाद कलीमुल्लाह अपने पिताजी के साथ नर्सरी आया करते थे। पेड़ों को लेकर उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था और समय के साथ उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। ये इसी नर्सरी में अपने शोध किया करते थे और एक ही पेड़ पर 300 तरह के आम की किस्में तैयार करने में इन्हें काफी टाइम लगा। कलीमुल्लाह बताते हैं कि लगभग 18 साल में ये पेड़ तैयार हुआ है और ये पेड़ दुनिया को मेरी तरफ से तोहफा है। उन्होंने कहा कि मैं आम के पेड़ को विकसित करने का फॉर्मूला पीएम मोदी को बताकर जाऊंगा। हाजी कलीमुल्लाह को मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है और इनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी इन्हें दुबई, यूएई और भी कई देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अब तक 500 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हाजी कलीमुल्लाह ने बताया कि दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं। उन्होंने बताया कुछ ही दिन पहले ओमान के लोग आए थे और जापान से भी कुछ लोग आए थे, यहाँ रुके भी थे और मेरी बातें रिकॉर्ड करके ले गए। कलीमुल्लाह ने अपनी भी आम की कई किस्में तैयार की हैं जिनको इन्होंने कई महान हस्तियों का नाम दिया है, जिसमें ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, अमित शाह, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग शामिल हैं।